हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू अवर चैनल आज रमजान स्पेशल रेसिपी में मैं लेके आई हूँ मटन खिचड़े की रेसिपी यानी कि हलीम रेसिपी जो सभी को बहुत ही पसंद होती है और खिचड़ा जो है वो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है तो चलिए आज की हमारी मजेदार सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो चलिए हमारे मटन खिचड़ी की रेसिपी की शुरुआत करते हैं तो देखिए खिचड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने खिचड़े का जो रेडीमेड पैकेट आता है वो यूज़ किया है आप चाहे तो ये घर पे भी तो बना सकते हैं इसमें दाला वगैरह जो होता है गेहूँ वगैरह वो आप घर पे भी मिक्स करके बना सकते हैं यहाँ पे मैंने रेडीमेड पैकेट आता है वो लिया है क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है बनाने में और आप चाहे तो ये किसी भी दुकान से परचेस कर सकते हैं ये किसी भी स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है और ये ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं तो देखिए इसमें जो है वो एक्स्ट्रा इसका जो मसाला आता है वो भी होता है इससे टेस्ट जो है वो खिचड़िया का बहुत ही बढ़िया आता है तो इसे देखिए अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे तो देखिए इस तरह से जो है वो सारा कुछ मिक्स में आता है तो इसे हम अच्छे से पानी से पहले धो लेंगे दो से तीन पानी से इसे हम अच्छे से धो लेंगे तो देखिए अच्छे से मैंने इसे धो लिया है अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी और इसे एक घंटे के लिए मैं भिगो के रख दूंगी तो देखिए ये एक घंटे तक बिकता है तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म करके एक बड़ा चम्मच जो है वो ऑयल डाल दिया है उसमें तीन से चार काली मिरी और तीन से चार लौंग डाल दिया है और एक चम्मच जीरा डाल दिया है फिर इसमें दो मीडियम साइज़ की हम प्याज बारीक कटी हुई डाल देंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे और जब प्याज हल्की सी भून जाएगी तब इसमें हम मटन डाल देंगे तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम जब वो खिचड़ा का पैकेट लिया है तो 500 ग्राम जो है वो मटन डाला है फिर इसमें डाल देंगे एक से डेढ़ चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसे अच्छे से हम मिक्स करके भून लेंगे इसे हम चार से पाँच मिनट के लिए मटन को पहले भून लेंगे फिर इसमें वाम पानी जो है गर्म पानी है वो डाल देंगे इसमें मैंने दो ग्लास गर्म पानी ऐड कर दिया है जो हल्का सा गर्म था ताकि मटन जो है वो इजीली जल्दी से बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसे प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो लगा देंगे और पाँच से सात सीटी तक हम पकाएंगे और अब यहाँ पे मैंने देखिए दूसरी साइड में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है उसमें हम डाल देंगे प्याज तीन से चार मीडियम साइज की मैंने प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है अब इसका हम बेरस्ता बना लेंगे मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को जो है वो लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे और इसका बिरस्ता बना लेंगे तो देखिए बिरस्ता जो है हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे बिरस्ते को जो है हम निकाल के थोड़ी देर साइड में रख देंगे तब तक हम करेंगे आगे की प्रोसेस तो देखिए जो हमने मटन को बॉईल करने के लिए रखा हुआ था वो मटन भी हमारा बॉईल अच्छे से हो चुका है इसे भी हम अब थोड़ी देर साइड में रख देंगे तो देखिए फ्रेंड्स अब जो खिचड़े के पैकेट को हमने भिगो के रखा था उसे भी हम कुकर में डाल लेंगे और इसे भी हम उबाल लेंगे उबालने से क्या है टाइम की भी बचत होगी और ये अच्छे से बॉयल भी हो जाएगा तो देखिए इसमें स्वाद अनुसार नमक और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डाल इसे मिक्स कर के इसका जो कुकर का ढक्कन है वो लगा देंगे हम और इसे सात से आठ मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे तो फ्रेंड्स अब हमारा मटन और खिचड़ा दोनों बॉईल हो चुका है तो एक पैन में हम पाँच से छः बड़े चम्मच ऑयल के गरम कर लेंगे उसमें दो तेज पत्ता एक चक्र फूल और एक बड़ी इलायची को डाल देंगे आप चाहे तो खड़ा मसाला और भी डाल सकते हैं फिर इसमें तीन से चार मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट करके डाल दिया है अब प्याज को जो है वो हल्का हल्का भून लेंगे इसे बहुत ही ब्राउन नहीं करना हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे और इसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे कट करके इसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे तो देखिए प्याज जो है हमारी हल्की हल्की भून चुकी है तो इसमें हम तीन से चार मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल देंगे अब इसे हम थोड़ा भून लेंगे दो से तीन मिनट के लिए फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम जो खिचड़े का मसाला आया है साथ में वो डाल देंगे पूरा पैकेट हम डाल देंगे फिर इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को जो है हम भून लेंगे तो देखिए मसाला जो है हमारा अच्छे से भून चुका है एक बार फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे और इस जो इसमें हम जो मटन बॉईल करके रखे थे वो डाल देंगे इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटन जब हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम ऐड कर देंगे हमने जो खिचड़े को भी बॉईल करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे तो देखिए अच्छे से इसे भी हम डाल देंगे और कुकर में डालेंगे थोड़ा सा पानी और वो पानी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से ये मिक्स हो चुका है इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे फिर इसमें डाल देंगे हम जो हमने बिरस्ता बना के प्याज का रखा था वो डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बि हमने आधा ही डाला हुआ है आधा हम ऊपर से डालेंगे सर्विंग टाइम पे तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है तो अब इसमें मैं एक ग्लास पानी डाल दूंगी और इसे अच्छे से पकने के लिए थोड़ी देर रख दूंगी सात से आठ मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे तो फ्रेंड्स खिचड़ा हमारा जब ऑलमोस्ट पकने आया है तब इसमें मैं कोयले को गरम करके उसके ऊपर एक चम्मच घी डाल के इसका धुआं दे दूँगी तो देखिए धुआं अच्छे से मैंने इसमें दे दिया है तो अब इसे हम निकाल लेंगे और खिचड़ी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए आप चाहे तो इसे और भी पतला कर सकते हैं लेकिन मुझे गाढ़ा पसंद है इसीलिए मैंने गाढ़ा ही रखा है तो देखिए खिचड़ा फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल ही रेडी हो चुका है तो आइए अब इसे हम गर्मा गर्म जो है वो सर्व करेंगे तो देखिए एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम खिचड़े को निकाल लेंगे फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे बिरस्ता जो हमने प्याज का बनाया हुआ है वो डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे हरी मिर्च फिर इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया और फिर हम इसके ऊपर रख देंगे एक नींबू की स्लाइस और रख देंगे फुदीना जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स हमारा जो मटन खिचड़ा है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है तो आज की ये रेसिपी मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं जल्दी से एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एवरीवन अल्लाह हाफिज़